एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के सामने। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों प्रकार का बॉक्स है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर जाएंगे हम लोग तो प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इधर नीचे जाएंगे तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तभी हम लोग को इसका आंसर मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको भर दिया है, इसका आंसर यहाँ 2 है, 1 है, 1 है, और यहाँ पे 1/3, 2/3 इस तरह से, और बी नंबर में भी जो दिया हुआ है उसमें मैंने फुलफिल कर दिया है। लेकिन ये कैसे बनेगा तो आप लोगों को बनाकर दिखाना। तो चलिए मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को इधर जाएंगे तो हम लोग ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 2/3 और 4/3, 2/3 प्लस 4/3, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे 3 लिए और ऊपर जो नंबर है वही रख लेते हैं, 2 प्लस 4, तो यहाँ कितना हो गया, 4 टू 6 हो गया, 6/3 हो गया, और यहाँ पे 3 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 टू 6 हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 इसका आंसर आ गया। तो वही 2 यहाँ पे भरा हुआ है, ये 2 हो गया, और इसको हम ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, 1/3 हो गया प्लस 2/3, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 3 लेते हैं और ऊपर में जो नंबर है वही रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 1 और 2 और 1 3 हो गया, तो 3/3 हो गया, और ये दोनों ही कट गया, इसका मतलब है कि यहाँ 1 हो गया, इसीलिए यहाँ पे 1 भरा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए तो इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 2/3 माइनस 1/3, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे हम रखते हैं 3 और यहाँ जो नंबर है माइनस का साइन रहेगा 1, तो यह कितना हो गया, 2 में से 1 गया, तो 1/3, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/3, उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4/3 माइनस 2/3, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 3 रख लेते हैं, और यहाँ पे 4 माइनस 2 हो गया, तो कितना हो गया, 2/3, 4 में से 2 गया तो 2/3 हो गया, तो यहाँ हम 2/3 रख लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से लास्ट यहाँ पे भरने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 1/3 प्लस 2/3, कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और ऊपर में जो नंबर है वही नंबर रखते हैं, 2 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 3/3, तो ये कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया, तो यही जो है 1 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसका बी पार्ट दिया हुआ है, उसको ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है हम लोग के पास। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, इधर हम लोग चलेंगे तो प्लस करना है, और इधर चलेंगे नीचे की ओर तो माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 प्लस 1/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 1 3 हो गया, और प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 1 2 हो गया, कितना हो गया, 5/6, यहाँ पे ये कटने उठने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6, एक कंप्लीट हो गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 1/3 प्लस 1/4, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो गया, और यहाँ पे 12 को 3 से देंगे 4 बार में जाएगा, 4 1 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 1 3 हो गया, कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, 7/12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किए हैं, 7/12 कंप्लीट हो गया। इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू, तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 को देंगे तो 2 से 3 बार में जाएगा, तो 3 1 3 हो गया माइनस, और यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 2 6, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 कितना हो गया, 3 में से 2 तो 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पे 6 1/6, तो यहाँ पे हो गया 1/6। अब यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 1/3 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो गया, फिर इसको 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 1 4 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे 12 को 4 से करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 1 3 कितना बच गया, 1/12 4 में से 3 1 1/12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देने से हम लोग को इसका लास्ट वाला आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1/6 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों कैसे लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 1/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 12 हो गया, 12 होगा तो 6 बार में जाएंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 6 2 जा मतलब 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 3/12, तो ये कट गया, कितना बार में कटेगा, 3 4 जा 12 4 बार में, यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे हो गया 1/4। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।